हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जानने की लड़की आपसे इम्प्रेस्ड हो चुकी है। तो आज के वीडियो इसी टॉपिक पे हैं, क्योंकि दोस्तों देखो, लड़कियों के बारे में अक्सर ये चीज़ होती है कि लड़कियां जो है अपनी फीलिंग्स नहीं बताती हैं। क्यों? उन्हें चाहिए होता है कि लड़का जो है उनकी फीलिंग्स को उन्हें देख कर खुद समझने की कोशिश करे, खुद उनके बारे में उनसे बिना बात करे उनके बारे में जाने कि आखिर लड़की के मन में चल क्या रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा है, आप भी किसी लड़की की फीलिंग्स को जानना चाहते हो, तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहली चीज़, अगर कोई लड़की ऑलरेडी आपसे इम्प्रेस्ड हो चुकी है तो उसका बिहेवियर पहले से ज़्यादा बदल जाएगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं ना, ठीक है, तो हमारा बिहेवियर पूरी तरह से बदलने लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर आप अपने क्लोज़ फ्रेंड से कोई गिफ्ट चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि वो आपको एक अच्छा सा फ़ोन गिफ्ट ही करें, तो क्या हो जाए, उसके साथ बात करते समय आप बहुत ज़्यादा प्यार से बात करोगे, आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाएगा, ठीक है, आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार से ट्रीट करोगे, तो ये चीज़ आपके बिहेवियर में होगी। आप उसे गुस्सा नहीं दिखाओगे कि गुस्सा हो जाएगा, पता नहीं वो गिफ्ट देगा या नहीं देगा, ये चीज़ होती है। तो सेम ये चीज़ लड़की अगर आप पे अप्लाई करने लगे, ठीक है, जैसे कि अगर वो पहले आपको नहीं देखती थी तो अब वो आपको देखना स्टार्ट करने लगे, आपसे कुछ सेकंड के लिए आई कांटेक्ट बनाए, आपको छुप कर देखे, या फिर अगर वो आपके पास से गुजर रही है तो किसी बहाने से रुक जाए या फिर आपको मुड़ कर देखे, ये चीज़ अगर वो करने लगे तो इससे आप समझ सकते हो कि वो ऑलरेडी आपसे इम्प्रेस्ड हो चुकी है। वहाँ पे क्या है, अब आपकी बारी है कि आप किसी भी तरीके से उससे बात करने की कोशिश करो। इसके अलावा दूसरा काम दोस्तों देखो, अगर एक लड़की ऑलरेडी आपसे इम्प्रेस्ड हो चुकी है तो वो अपनी तरफ से आपको चांस देगी कि आप उससे बात करो, ठीक है। वो खुद तो आपसे बात नहीं करेगी, लेकिन वो अपने कामों से पूरी तरह से बताने की कोशिश करेगी कि अब आप उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करो। कैसे? जैसे कि अगर आप एक ही ऑफिस में हो या फिर कॉलेज में हो, तो क्या होगा कि सभी लोग जो हैं जैसे कि बाहर चले गए हैं और वो अकेली है और आप भी वहाँ पे बैठे हो, तो वो आपके पास आकर बैठ जाएगी, ठीक है, बात नहीं करेगी लेकिन पास में आके बैठेगी, ताकि आप कोई भी बात उससे स्टार्ट करो। या फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि अगर वो आप पानी पीने गए हो तो आपके पीछे पीछे वो खुद पानी पीने के लिए आ जाएगी, तो ये चीज़ करेगी, तो वहाँ पे कुछ बोलेगी नहीं लेकिन साइलेंट वे में कुछ इशारे करेगी आपको, ताकि जो है आप उससे बात करो, ठीक है। तो इस तरीके से अक्सर लड़कियां जो हैं एक लड़के को चांस देती हैं कि लड़का उनसे बात करे। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि लड़की जो है ऑलरेडी आपसे इम्प्रेस्ड हो चुकी है। इसके अलावा अगला काम कि लड़की जो है ना कभी भी आपसे नाराज़ नहीं होगी, वो जब भी आपसे मिलेगी उसके चेहरे पर एक स्माइल हमेशा बनी रहेगी, कभी भी आपको गुस्से से नहीं देखेगी, कभी भी आपसे नाराज़ नहीं होगी। लाइक अगर आपकी उससे बातचीत नहीं भी होती है ना, तो भी जैसे भी या जब भी आप उसे देखोगे ना, तो उसके देखने से आपको ये लगेगा कि वो आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई है, ठीक है, उसके चेहरे पे एक आपको एक अलग चमक, अलग खुशी देखेगी। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि लड़की ऑलरेडी आपसे इम्प्रेस्ड हो चुकी है। इसके अलावा अगला काम है कि अगर कोई लड़की ऑलरेडी आपसे इम्प्रेस्ड हो चुकी है और वो चाहती है कि आप उससे बात करने की कोशिश करो, आप उसे प्रपोज़ करो, तो वहाँ पे क्या होता है कि लड़की जो है एक तरह से उस लड़की को स्टॉक करना स्टार्ट करने लगती है। जैसे कि जब लड़के किसी लड़की को पसंद करने लगते हैं तो उसके बारे में पूरी तरह से छानबीन करने लगते हैं, ठीक है, किससे बात करती है, कितने दोस्त हैं, रिलेशनशिप में है या नहीं है, अप डाउन कैसे करती है, कहाँ रहती है, किससे बातचीत होती है, तो ये चीज़ें सारी तरह से छानबीन, एक तरह से पूरा चट्ठा निकाल के रख देते हैं, ठीक, ये चीज़ लड़की भी करने लगेगी, ठीक है। वो आपके बारे में पूरी तरह से जानकारी इकट्ठे करेगी, ठीक है, आपके दोस्तों के थ्रू, सोशल मीडिया हो, नेट हो, किसी भी तरीके से आपके बारे में जानेगी। तो इससे आप समझ सकते हो कि लड़की जो है ऑलरेडी आपसे इम्प्रेस्ड हो चुकी है। तो वहाँ पे आपको ये चाहिए कि आप उससे किसी भी तरीके से बात करने की कोशिश करो। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।